नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लिए एक नई वीडियो लाए हैं जिसमें हम चेजर की मदद से आपको थ्रेडिंग करना सिखाएंगे। ये 1.5 पीस का चेजर है जो आप राइट साइड में इमेज देख रहे हैं कॉर्नर में, ये चेजर है दोस्तों। इसमें हमने ये 27 का हेक्स रॉड लिया है दोस्तों, और हम इसमें ये पहले 24 mm साइज बना करके चूड़ी के लिए टर्निंग कर रहे हैं, और 17 mm लंबा है दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। और ये इसकी टर्निंग हो चुकी है दोस्तों, और ये जो है हम इसमें ग्रुप डाल रहे हैं जो कि हमारे चूड़ी का जो टूल होता है थ्रेडिंग के लिए, वो टूल आराम से पास हो जाए। ये हम चूड़ी के लिए जो चैम्फर होता है वो लगा रहे हैं, क्योंकि ये हेक्स रॉड है इसलिए इस पर हमने ये 30 डिग्री का चैम्फर लगाया है। ये हमने इसमें अपना टूल जो ब्रेजिंग करवाई है चेजर, उसको घुमा लिया है और इस पर जॉब पर टच करके, और अब हम इसमें थ्रेडिंग शुरू करेंगे दोस्तों। ये पहला कट डल गया है इसमें। अब ये mm पिच की चूड़ी है तो इसमें क्या होता है कि हम जो है टूल को उठाते नहीं है, अगर एक बार कब्जा डल गया हमारा तो हम उसको उठा नहीं सकते जब तक हमारी चूड़ी फाइनल ना हो जाए। अब इसमें हम जो है 3-3 पॉइंट के कट लगा रहे हैं, इसमें 3-3 डिग्री के कट लगा रहे हैं इसमें, क्योंकि इसमें जो है ये एक साथ 4 दांत चल रहे हैं, हम इसमें ज़्यादा गहरा कट नहीं डाल सकते, इसलिए हम जो है इसमें हल्के हल्के 0.3-0.2 के कट डाल रहे हैं इसमें दोस्तों। जो हम ये चेजर से चूड़ी काट रहे हैं इसके जो 4 दांत हैं चेजर के, ये हमने प्रयोग में लाए हैं जिससे कि चूड़ी की गहराई बिल्कुल इक्वल एक सार आ रही है और टूल पे ज़्यादा जोर भी नहीं पड़ता। दोस्तों हमने इसमें ये कूलेंट इसलिए चला रहे हैं कि ये इसमें जो इसके टीथ हैं, दांत जो हैं इसके हमारे चेजर के, इसमें बुरादा फंसे नहीं और हमारा जो टूल है वो ठंडा रहे। अभी इसमें नट चढ़ा के देख रहे हैं हम। अभी नट थोड़ा सा फंस रहा है, लास्ट तक नहीं जा रहा है, इसके लिए हम इसमें 2-3 कट और डालेंगे चूड़ी के। मेरे ख्याल से 2 कट इसमें बहुत रहेंगे। हम जूम करके दिखाते हैं दोस्तों, बिल्कुल साफ सुथरी चमकदार चूड़ी आ रही है। ये इसमें दोस्तों हम 12 mm का ड्रिल लगा रहे हैं इसमें, क्योंकि इसकी टोटल लंबाई जो है 40 mm रखनी है जॉब की। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। दोस्तों इसमें जो है हमारा ड्रिल 45 mm तक जाएगा, क्योंकि 40 mm इसकी टोटल लंबाई है जॉब की, 45 mm इसमें कटिंग मार्जिन लेके चल रहे हैं हम, 5 mm का ड्रिल लग गया है इसमें। अब हम इसकी कटिंग करेंगे दोस्तों, पार्टिंग। इस पीस की कटिंग के लिए हमने 4 mm का टूल लिया है, इसकी सीधी पार्टिंग करेंगे, और जॉब का फेस करने के लिए हम 0.5 mm प्लस काट रहे हैं इसको। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो में, धन्यवाद।